हेलो मैरी, गुड आफ्टरनून टोवल। मैं नेहा कटारा त्यागी एक बार फिर से आप सबके सामने कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। नहीं तो एक्चुअली नहीं बोल सकते, बहुत ही पुरानी इन्फॉर्मेशन है, बट लोग शायद टाइम के साथ इसको भूल चुके हैं, तो मैं एक बार फिर से सब लोगों को याद दिलाना चाहूँगी। हल्दी, हल्दी के फ़ायदे क्या हैं, इसको लेते कैसे हैं, इसको किस अमाउंट में लेना चाहिए, तो आइए शुरू करते हैं। जैसे कि आप सबको पता है, हल्दी एक मसाला है जो कि भारत में बहुत पुराने टाइम से यूज होता आ रहा है। आयुर्वेद में भी लोग इसको दवाइयों की तरह यूज करते हैं, तो कभी सोचा है कि आखिर एज ए मेडिसिन हल्दी को क्यों यूज किया जाता है? तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि हल्दी में एक बायो एक्टिव कंपाउंड होता है जिसमें बहुत सारी मेडिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, बहुत सारी मेडिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। लाइक ये एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह बॉडी में काम करता है, इसके बहुत सारे एंटी इन्फ्लामेटरी इफ़ेक्ट्स हैं जो कि बीमारियों से हमें दूर रखते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स का मतलब है बीमारियों से दूर रखने वाला कंपाउंड। जैसे कि आप सबको पता है कि कोई भी चोट लगने पर हमारी माँ है या कोई भी बुजुर्ग है, वो दूध में हल्दी मिला के देते हैं। आपको पता है क्यों? इसी इसके इफेक्ट के कारण कि इसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो कि रिपेयरिंग बॉडी में जो भी डैमेज होता है उसके लिए रिपेयरिंग एजेंट की तरह काम करते हैं, और जो भी बैक्टीरियाज ने हमें इन्फेक्टेड किया है उन बैक्टीरियाज को बॉडी में जाके किल करते हैं। इसका जो दूसरा फायदा है वो है एंटी एजिंग एजेंट की तरह ही काम करता है। जैसे कि आजकल की लाइफस्टाइल के चलते बहुत सारे जंक्स एंड फास्ट फूड्स हम बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो उससे बॉडी में एक्ने है, पिंपल है, ऐसी प्रॉब्लम्स बढ़ती हुई जा रही हैं। तो इन सबको खाने से बहुत सारे फ्री रेडिकल कंपाउंड बॉडी में बनते हैं, तो हल्दी उन फ्री रेडिकल कंपाउंड को की फॉर्मेशन को रोकने में हेल्प करता है और स्किन को बहुत अच्छा रखता है। तीसरा जो इसका फायदा है वो है ब्रेन, ये ब्रेन के लिए बहुत अच्छा है। इसमें एक ब्रेन ग्रोथ हार्मोन पाया जाता है, उसका BDNF उस हार्मोन का नाम है, जो कि मैं जिसके बारे में बहुत कुछ नहीं बताना चाहूँगी। आपके लिए सिर्फ इतना ही है कि इसमें ब्रेन ग्रोथ हार्मोन फैक्टर है जो कि बहुत सी न्यूरो प्रॉब्लम से हमें बचाता है। एल्जाइमर एक डिजीज होती है जिसके बारे में आपने सुना होगा, जिसमें कि ब्रेन में प्लाक या फिर बोल सकते हैं कि सिस्ट बनना शुरू हो जाता है, थक्का बनना शुरू हो जाता है, उसको रोकने में हेल्प करता है। इसका जो चौथा फायदा है वो है कि हार्ट प्रॉब्लम के लिए हल्दी बहुत अच्छी है, क्योंकि एंडोथीलियम के फंक्शन को इम्प्रूव करती है। एंडोथीलियम एक हमारी जो ब्लड वेसल्स है उसकी लाइनिंग होती है जो कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है, तो हल्दी वहाँ पे क्लॉट नहीं बनने देती, उसके फंक्शंस को इम्प्रूव करती है। और जो सबसे महत्वपूर्ण इसका फायदा है कि बहुत सारी स्टडीज, बहुत सारे डॉक्टर, बहुत सारे आयुर्वेदिक पर्सन ये प्रूव कर चुके हैं कि हल्दी कैंसर में बहुत अच्छी है। हाँ, ये बहुत ही सही चीज़ है कि कैंसर में हल्दी बहुत ही अच्छी तरह काम करती है। ये जो कैंसर की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है उसको रोकती है, कैंसर सेल्स की डेथ में कंट्रीब्यूट करती है, उसके आसपास के एरियाज में ट्यूमर को डेवलप नहीं होने देती। जैसे कि आप सबको पता है, एक बार कैंसर ट्रीट होने के बाद बहुत से लोगों में आपने सुना होगा कि फिर से डेवलप होना स्टार्ट हो गया है, तो अगर कोई कैंसर से क्योर हो चुका है उसके बाद वो अपनी डेली लाइफ में हल्दी ऐड कर सकते हैं ताकि वो आसपास के एरियाज को इफेक्ट ना करें। और अगर कोई फर्स्ट स्टेज ऑफ कैंसर में है तो उसके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकती है कि वो उसकी ग्रोथ को वहीं की वहीं रोक सकता है। आगे इसका एक और बहुत बड़ा फायदा है कि डिप्रेशन, जैसे कि आजकल की हमारा वर्क पैटर्न हो गया है उसको लेके डिप्रेशन बहुत बढ़ने लगा है, यंगस्टर्स में बहुत डिप्रेशन रहता है, तो हल्दी उसको भी क्योर करने के काम में आ सकती है। ये हमारे न्यूरो ट्रांसमीटर को, हमारे हैप्पी हार्मोन को जागृत करने में या बोल सकते हैं सिक्रीट करने में हेल्प करती है। सीरोटोनिन और डोपामिन ये हैप्पी हार्मोन्स होते हैं जो कि हमारे स्ट्रेस को मैनेज करने के काम में आते हैं, तो अगर आप हल्दी ऐड करेंगे तो आपके डिप्रेशन से आपको काफ़ी हद तक मैनेज करने में या फिर उससे मुक्ति मिल सकती है। इसका एक और बहुत बड़ा फ़ायदा है अर्थराइटिस, जैसे कि आपने बुजुर्गों को कहते सुना होगा कि घुटनों में दर्द हो रहा है, कमर में दर्द है, तो ये उसमें बहुत फ़ायदेमंद हो सकती है। इसमें जैसे कि मैंने आपको बताया कि एंटी इन्फ्लामेटरी कंपाउंड्स हैं इसमें, जो इन्फ्लामेशन का मतलब है सूजन आना, रेडनेस होना, तो हड्डियों में उसकी सूजन को कम करके ये एंटी इन्फ्लामेशन की तरह की एजेंट की तरह काम करता है, उसको दर्द को कम कर सकता है। हाँ, इतने सारे फायदों के साथ हल्दी के कुछ एक दो माइनर से डिसएडवांटेज भी हो सकते हैं,
पर अगर आप इसको ठीक क्वांटिटी में लेंगे तो वो नुकसान भी नहीं होंगे। नुकसान ये हो सकते हैं कि हल्दी में बहुत सारी हीट प्रॉपर्टीज़ होती हैं, बहुत गर्म होती है इसकी तासीर। जैसे कि आपको पता होगा कि कोई ये मसाला गर्म है, ये ठंडा है, तो हल्दी की तासीर गर्म है, तो बहुत बार ये अब्डोमिन क्रैम्प्स मतलब पेट में दर्द का रीज़न हो सकती है। कई बार किडनी में स्टोन का रीज़न भी हल्दी हो सकती है। जैसे कि जो लोग डेली बेसिस पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में हल्दी दूध में मिला के ले रहे हैं तो उनको एक कैल्शियम ऑक्जिलेट कंपाउंड एक फॉर्म हो सकता है, जो कि एक इनसॉल्युबल कंपाउंड है जो कि पथरी का रूप ले लेता है। तो दूध में बहुत ज़्यादा हल्दी मिला के आप डेली बेसिस पे नहीं लें, क्योंकि इससे आपको पथरी हो सकती है। उसके बाद अगर किसी को बहुत ज़्यादा गैस्ट्रिक इश्यू रहते हैं तो वो हल्दी डेली बेसिस पे ना ऐड करें, या फिर उसके अमाउंट का खास ध्यान रखें। अब मैं आपको बताऊंगी कि आखिर हल्दी को लेना कैसे है। तो आप देख रहे हैं कि मेरे पास हल्दी है और पानी है, तो हल्दी का जो डेली का क्वांटिटी है जो हम ले सकते हैं, दैट इज़ 1 ग्राम पर डे। 1 ग्राम का मतलब है कि सिर्फ एक चुटकी हल्दी। अगर आप इस चम्मच को पूरा भर के लेंगे तो ये आपको नुकसान फ़ायदे की जगह नुकसान दे सकती है, तो प्लीज़ इसके अमाउंट का खास ध्यान रखें। एक ग्लास पानी में आप 1 ग्राम हल्दी ऐड करें, और हल्दी अगर आप अकेले लेने वाले हैं तो हल्दी बॉडी में जाके अब्जॉर्ब नहीं होती है, इसलिए इसके अब्जॉर्प्शन को बढ़ाने के लिए हल्दी में जो करक्यूमिन है वो अकेले बॉडी में जाके अब्जॉर्ब नहीं होगा। उसके अब्जॉर्प्शन को बढ़ाने के लिए ये मेरे पास है काली मिर्च का पाउडर, जो कि आप 1/2 ग्राम आप यूज़ करें, क्योंकि इसमें एक पिपेरिन नाम का एंजाइम होता है जो करक्यूमिन के अब्जॉर्प्शन को, हल्दी के अब्जॉर्प्शन को बॉडी में जाके बढ़ा देता है, जिससे आप हल्दी जो ले रहे हैं उसके फ़ायदे आपके बॉडी को मिल सकते हैं। तो डेली का या फिर ऑल्टरनेटिव डे पे आप हल्दी, 1 चुटकी ऑफ हल्दी, 1/2 चुटकी ऑफ काली मिर्च पानी में घोल के आप यूज़ करेंगे तो आपको इससे बहुत बहुत ज़्यादा फायदे हो सकते हैं। तो प्लीज़ अपनी डाइट में ऐड करें। अपने रिश्तेदारों को जो भी इन प्रॉब्लम से ग्रसित है या पीड़ित है, जिनको ये दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं जो कि मैंने एक्सप्लेन की, तो वो उनको अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं, उसके फ़ायदे ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगा तो शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।